लेकिन सवाल बनता है क्योंकि आपने सुरक्षा की गारंटी दी 370 के बाद वहां पर सब कुछ। सेना, आपने कहा कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी का बेटे के, किसी के पिताजी की, इस तरह किसी के पति की जान गई है इसके अंदर, हमारी संवेदना उनके साथ हैं। और ऐसे में पूरे देश को एक साथ होना चाहिए, ऐसे कमर तोड़ ऑपरेशन इनके होने चाहिए जिस तरह से उरी का हुआ था, पुलवामा का हुआ था। मैं समझता हूँ एक ऑपरेशन की जरूरत आज फिर आ गई है। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूँ काजू नारायण और मैं हूँ हरीश असवाल। और आज हम बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए साथ आए हैं। हमने 370 पर बात की थी, 370 हटने के बाद लगातार ये बात हो रही थी कि घाटी में आतंकवाद कम होगा, हुआ भी हरीश जी को सहसा बिल्कुल। लेकिन ऐसी बार बार घटनाएं आ रही हैं जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। अभी 12 सितंबर को हमारे 3 सेना के अधिकारी शहीद हो गए और देश अब इसका बदला चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इसका एक पॉलिटिकल रीजन होना चाहिए या इस पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन सवाल बनता है क्योंकि आपने सुरक्षा की गारंटी दी थी कि 370 हटने के बाद वहां पर सब कुछ बहुत बेहतर होगा। काजल, ऐसा है कि G20 या G21 जब हमारे देश में हुआ तो और इसमें आतंकवाद की बात हुई थी कि आतंकवाद के खात्मे की, और काफ़ी जो G21 के जो समूह के लोग थे उन्होंने इस पर विचार विमर्श भी किया और इस पर कहा कि वाकई में आतंकवाद को एक वो लगाम लगनी चाहिए। तो एक तरह से आतंकवादियों ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है, ये करके उन्होंने कहा कि ये खात्मा नहीं हो सकता, हम लोग हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। तो इस प्रेजेंस को ख़त्म करना होगा हमें जड़ से। सेना, आपने कहा कि इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी का बेटे के, किसी के पिताजी की, इस तरह किसी के पति की जान गई है इसके अंदर, आप खुद सोचिए कि किसी एक सैनिक जिसकी DSP साहब जो थे उनकी 2 महीने का उनका बच्चा है, एक का 2 साल का है, एक का मतलब ये सोचिए कि कितना बड़ी जिम्मेदारी वो अपने देश के कंधों पे छोड़ के गए हैं। ये उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी क्षति है और हमारी संवेदना उनके साथ हैं। और ऐसे में पूरे देश को एक साथ होना चाहिए। एक साथ होने से फायदा, इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं, फायदा होगा इससे। ऐसे कमर तोड़ ऑपरेशन इनके होने चाहिए जिस तरह से उरी का हुआ था, पुलवामा का हुआ था। मैं समझता हूँ एक ऑपरेशन की जरूरत आज फिर आ गई है। बिल्कुल। और उसके बाद हमने देखा था कि आतंकी गतिविधि जो है वो घाटी में बहुत कम हो गई थी। लेकिन सवाल ये है हरीश जी कि ये जो उजैर जो नाम है, जो आतंकी है, एक कैटेगरी का आतंकी है, बहुत कम उम्र, 20 साल महज उसकी उम्र है, ऐसा कौन से लोग हैं, ऐसे कौन से संगठन हैं जो इन लोगों को चुन रहे हैं, इन लोगों के ब्रेन वॉश कर रहे हैं और आतंकवाद की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि घाटी का हमारा हिस्सा जो पाकिस्तान से जुड़ा है, हर बार ऐसा होता है कि पाकिस्तानी आर्मी कहे या पाकिस्तानी आतंकी कहे, वो कहीं ना कहीं ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से है। पाकिस्तान से बिल्कुल इसका कनेक्शन है क्योंकि ये सारी आतंकवादी घटनाएं जितनी भी ये रची जाती हैं सब पाकिस्तान में बैठकर रच रही हैं। आज उनकी हालत इतनी खराब है, उनके घर में खाने को नहीं है, पर आतंकवाद की तरफ उनका बजट कम नहीं होता। अब खुद सोचिए 250 रुपये किलो उनके यहाँ आटे की कॉस्ट है, और बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज उनकी आसमान पर है, उसके बावजूद भी वो अपने आतंकवाद पर बजट कम नहीं करते। उनको बोलते ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, उनकी हालत हुआ है इस टाइम कि कुछ नहीं मिलता तो आतंकवाद उनका लास्ट हुआ हथियार है कि आतंक फैलाओ और फिर शासन करने की कोशिश करो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? देखिए POK की बात भी लगातार होती है और साथ ही साथ घाटी से ये कहा जाता है कि वहां पर हम ऐसा नहीं होने देंगे जैसा सरकार चाहती है, ये हमारा हिस्सा है, हम इसे लेकर रहेंगे। ये बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई देती है क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखें हम तो वैश्विक स्तर पर भारत अपनी बात बहुत ही शालीनता से और बहुत ही दमखम के साथ रख चुका है कि हम आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। भारत ने हर मंच पर क्लियर किया है कि हम शांति चाहते हैं और शांति तरीके से हम वार्ता भी चाहते हैं, बट क्या है कि ऐसे लोगों का शांति शायद सॉल्यूशन है नहीं। जब से अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि POK हमारा हिस्सा है, तब से ही पाकिस्तान बौखला रखा है। उनको ये डर है, रात में दिन में उनको ये डर है कि कहीं ये रात में हमला ना कर दें, POK ना अपने पास ले जाएं। तो उनका ये डर जो है
उनको ये रात दिन इस आतंकवाद की तरफ खींचता है कि किसी तरह से ये आतंकवाद जारी रहे ताकि इंटरनेशनली हम लोग छाए रहें किसी न किसी मुद्दे पे, और पाकिस्तान अपना नाम इसमें बीच में नहीं लाता। पाकिस्तान कहता कि हमारे यहाँ ये सब घटनाएं नहीं, पर जितने भी सर्जिकल अटैक्स हुए हैं हमारे उनकी जमीन पे हुए हैं। तो अब मैं समझता हूँ कि एक अटैक बाकी है ताकि इसका खात्मा पूर्ण रूप से हो, दोबारा किसी बेटे के किसी के पति की जान ना जाए, और इसका सफलतापूर्वक इसका मेरे को लगता है कि प्लानिंग हो रही होगी। जो है ना वो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भूल गया है, इसी वजह से वो छटपटाहट देखी जा रही है, और यही वजह है कि जो हमारे घाटी के लोग हैं, जो नौजवान हैं, उनको बरगलाने की कोशिश करता है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है और आतंकवाद की तरफ उनका रुख कर देता है। लेकिन हमें, हमारी सरकार तो पूरी कोशिश कर रही है, रिजी देखिए 370 हटने के बाद हमने देखा, या 2014 के बाद से हम देख रहे, सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उन लोगों को शिक्षा मिले, अच्छे वहाँ पर लोग पहुँचे, उद्योग लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम लगातार करते रहते हैं, वो चीज़ें हमने देखी भी। वो जो लाल चौक है वहाँ पर कभी तिरंगा फहराने से लोग डरते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि तिरंगा लहरा रहा है। जन्माष्टमी का त्यौहार अभी इतनी धूमधाम के साथ लोग बिना डर के मना रहे हैं, लेकिन ये दहशत फैलाने की कोशिश की। यही तो उनकी बौखलाहट है कि हम इतनी आसानी से सब चीज़ें कैसे कर गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी वहाँ पर, जो नेता लोग, नेता नगरी जो है वहाँ की, उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि कश्मीर की ये सूरत भी उनको देखने को मिलेगी जो 370 हटने के बाद है। ये बौखलाहट और ये इंटेलिजेंस फेलियर मैं बोलूँगा इसमें, इंटेलिजेंस फेलियर बेसिकली मैं बोलूँ कि इसको इस तरह से आज आतंकियों ने दूसरा रुख अपना लिया है। पहले वो आम पब्लिक पे हमला करते थे, बम ब्लास्ट करते थे, करते थे, अब उन्होंने सीधा सीधा आर्मी पे अटैक करना शुरू कर दिया, और ये घेराबंदी की गई उनकी, बकायदा उनको इन्फॉर्मेशन इस तरह से पास ऑन की गई कि वो पहले से घात लगा के बैठे थे। तो यानी हमारे देश में, या ये कहें कि घाटी में अभी भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जिनकी वजह से सारी जो इनपुट्स हैं वो मिल रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो ये घटना हुई है, जितना हमने स्टडी किया है, जितना पढ़ा है, जो खबर निकल कर सामने हुई है कि ये जो आतंकी है उज़ैर, इसको सब पता था कि कहाँ आतंकी छुपे हुए हैं, कौन सी घाटी ऐसी है जहाँ पर चढ़ना मुश्किल है, वहां से निकलना भी मुश्किल है, ये पूरा दिया गया। देखिए वो वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने पूरा रेकी करके, पूरा बकायदा उसको प्लान करके और इन्फॉर्मेशन को इस तरह से पास ऑन किया है कि कुछ आतंकी इस जगह छुपे हुए हैं, ये एक तरह से उन्होंने ट्रैप किया है, ये उन्होंने ट्रैप किया, और उनके लिए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने सेना के तीन अफसरों को मार गिराया, उनके लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है उनके। हाँ जी, तो एक जवान भी शहीद हुआ इसमें, मतलब उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। उनके यहाँ बोलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट जो है आतंकियों के खेमे में, रिवॉर्ड पॉइंट्स बड़े जबरदस्त हैं इसके, सिपाही मारोगे तो इतना परसेंट, एंड कर्नल कर दिया तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिवाली है, पर ये दिवाली उनकी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन कुछ ना कुछ तो अंदर खाने अरिजीत चल रहा है। बिल्कुल चलना चाहिए, और हम देश के बिल्कुल इसके साथ हैं, और इसमें सर्च ऑपरेशन ऐसा होना चाहिए कि इनकी नस्लें याद रखें। क्या लगता है, इस चीज पर बहुत बात पहले भी हुई है, पुलवामा हुआ, उरी हुआ, आज फिर मैं इस पर बात कर रही हूँ, क्या वहाँ की जो राजनीति है, जो राजनेता है, उनका भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग, मैं आतंकवाद की बात नहीं कर रही, लेकिन जो जैसे पत्थरबाज हो गए वहाँ पर, वो निकल रहे हैं अभी भी? देखिए बिल्कुल है, राजनेताओं की तो शरण है ही उनको, तभी तो इस तरह की हरकत कर पाते हैं। और बिल्कुल, जो सरकार ने जब 370 हटाई थी तो उससे पहले कुछ घेराबंदी करी थी राजनेताओं की, तभी 370 हट पाई थी। अगर इनकी घेराबंदी ना होती तो इसी तरह से आतंकवाद के ऊपर भी इनकी घेराबंदी होनी बहुत ज़रूरी है। इनको घेर कर, इनको समझा कर, और मैं बोलता हूँ बुलडोजर का जो असर है ना, वो इनके ऊपर भी दिखाई देना चाहिए। यानी कि एक स्ट्राइक होनी और ज्यादा जरूरी, ताकि पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब मिल जाए कि अभी शांत है भारत, लेकिन जब सर्जिकल स्ट्राइक, अब मुझे लगता है भारत को अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है कि अब इनको ताकत ही दिखा दी जाए। बिल्कुल, और अभी शायद इन सब चीजों से हम आगे निकल पाएंगे और आतंकवाद का खात्मा हो पाएगा। बहुत गंभीर टॉपिक है, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, क्योंकि देश इंसाफ मांग रहा है, देश कह रहा है कि शहादत का बदला लो, और बहुत जल्द ये बदला लिया भी जाएगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि देश की आवाज हम बनना चाहते हैं, और आप जो भी कमेंट करेंगे, आगे हम इसी तरह के वीडियोस लाते रहें, क्योंकि आपसे जुड़े मुद्दे हैं हमारे देश से जुड़े मुद्दे हैं। जी, आप बिल्कुल अपने कमेंट दीजिए इसमें, अपनी राय दीजिए, और राय देने के बाद हम लोग इस पर अपने विचार अपने रखेंगे, किसी तरह से भी देश के कोने कोने तक ये बात पहुंचे, और ऐसे आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए,
ये आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं, इसमें राजनीति ना हो तो बेहतर।